नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आरके बाथरा आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपकी सहायता करूंगा आज के टॉपिक को समझने के लिए। आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये लाइट हमको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम आगे आने वाले टॉपिक जो है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, SOR, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको समझने के पहले हम लोगों को ये टॉपिक समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम आगे स्टार्ट करें उसके पहले जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। सिंगल कलर की लाइट को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। सिंगल कलर की लाइट जो होती है उसमें सिंगल वेवलेंथ होती है। अगर आपने लेज़र लाइट देखी होगी, अगर वो लाल कलर की है लेज़र लाइट आपकी, तो वो उसमें सिंगल कलर है, तो इसलिए वो क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट। एक कलर की लाइट को हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। और एग्जांपल सोडियम लाइट्स, जो सोडियम बल्ब येलो कलर का जो जिसमें टंगस्टन फिलामेंट होता है जो कि येलो लाइट इमिट करता है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। यह स्क्रीन पर आपको एक सोडियम बल्ब शो किया हुआ है और दूसरा जो है लेज़र लाइट। चूँकि दोनों जो है सिंगल फ्रिक्वेंसी की लाइट को इमिट कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों ही मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अब बात करते हैं हम लोग पॉलीक्रोमेटिक लाइट की। पॉली का मतलब होता है मैनी, क्रोमेटिक का मतलब कलर। तो ऐसी लाइट जिसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। जैसे कि स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे एक 7 रंगों का एक पिक्चर दे रखा है। जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है, सनलाइट होती है, उसके अंदर 7 रंग होते हैं। तो एक से अधिक कलर वाली लाइट को हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं। अब क्योंकि एक से ज़्यादा कलर की लाइट है तो एक से ज़्यादा वेवलेंथ होगी उन्हीं की और उनकी एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी। तो एक से अधिक कलर वाली लाइट को हम क्या कहते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सनलाइट जो है, देखिए यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर 3 कलर शो कर रखा है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो यहाँ पर जो लाइट है ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। कोहरेंट लाइट किसे कहते हैं? ऐसी लाइट जिसकी सिंगल फ्रिक्वेंसी हो, सिंगल वेवलेंथ हो और सभी की सभी सेम फेज में हो एक दूसरे से कंपैरिजन में। जैसे यहाँ पे जो लाइट देखिए, इनका जो पहाड़ है और जो ढलान है, सभी के पहाड़ और जो ढलान है वो एक जैसे हैं। मतलब इन यहाँ पर ये सभी हम कह सकते हैं कि सभी जो लाइट है सेम फेज में है। तो कोहरेंट लाइट हम किसे कहते हैं? ऐसी लाइट जिनकी सेम वेवलेंथ हो, सेम फ्रिक्वेंसी हो और जो कि सभी सेम फेज में होंगी, उन्हें हम कहेंगे कोहरेंट लाइट। और इसका जो विपरीत होगा, अपोजिट होगा, उस अपोजिट को हम क्या कहेंगे? इनकोहरेंट लाइट। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो वाइट लाइट होती है, जो कि बहुत सारी अलग अलग कलरों से मिलके बनी होती है, तो उसके अंदर उसकी वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, फ्रिक्वेंसी भी अलग अलग होती है और सभी लाइट जो होती है उनका जो फेज़ होता है वो सभी क्या होता है? अलग अलग होता है। तो इनकोहरेंट लाइट किसे कहते हैं? जिसमें कि डिफरेंट वेवलेंथ होती है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होती है और जो कि डिफरेंट फेज में होती है, उनको हम क्या कहते हैं? इनकोहरेंट लाइट में कहते हैं। यहाँ पे जो इनका पहाड़ और ढलान है सबका अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनकोहरेंट लाइट कहते हैं। अब हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे निचला वाला पोर्शन, निचला वाला जो डायग्राम है लेज़र, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है सिंगल कलर, एक ही कलर की दिखाई दे रही है लेज़र लाइट, रेड कलर की। और यहाँ पर जो इनका पहाड़ और जो ढलान है वो एक ही दिशा में है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्योंकि ये सिंगल कलर इसलिए मोनोक्रोमेटिक है और वेव जो है ये फेज में है, इसलिए क्या कहलाएगी? कोहरेंट लाइट, मोनोक्रोमेटिक कोहरेंट लाइट। एलईडी की बात करते हैं तो एलईडी में क्या होता है? देखिए यहाँ पर सिंगल कलर की है इसलिए इसको मोनोक्रोमेटिक कहा गया है, परंतु जो वेव है वो फेज में नहीं है, इसलिए क्या है? ये नॉन कोहरेंट है, मोनोक्रोमेटिक नॉन कोहरेंट लाइट। अब बात करते हैं हम सबसे ऊपर सनलाइट की। तो देखिए यहाँ पर सभी का कलर अलग अलग है, तो यहाँ पर जो है क्योंकि एक से ज़्यादा कलर है यहाँ पे,
इसलिए ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी, और सभी जो लाइट है वो अलग अलग फेज में है इसलिए क्या कहलाएगी, नॉन कोहरेंट, पॉलीक्रोमेटिक नॉन कोहरेंट लाइट। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।